दोस्तों नमस्कार, आज मैं पीली गांव के पास में हूँ। पीली है, देख सकते हैं आप, ये जो पुल है, ये पीली के पास का जो पुल है, पीली है जो गांव है, यह चिखलदरा तालुके में सीतना नदी के किनारे बसा करता था, लेकिन आज यहाँ से पुनर्वसन होके यह टोंगलापुर करके गांव में ये गांव का पुनर्वसन हो चुका है। और यहाँ पर ये जो सीतना नदी के किनारे यहाँ पे जो पीली गांव हुआ करता था, यह पीली गांव में आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी जगह थी उनकी। यह जो दृश्य है, इस दृश्य को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार कितना प्यारा, कितना हसीन, कितना जानदार यह सीन है। इस सीतना नदी के किनारे आप यहाँ से समझो जैसे यह सीमाड़ो से लेके तो उधर तप्ती को, यह तप्ती की उपनदी है सीतना, तो इसे मेलघाट की गंगा कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि मेलघाट के इतने सारे गांव इस नदी के किनारे पे बसते हैं। और यहाँ का जो दृश्य देखेंगे आप ये देख सकते हैं इधर का कितना प्यारा नज़ारा है। इस ओर ये यह जो पीली गांव है, पीली गांव में आप अगर समझो रात को रुकते हैं यहाँ पे, तो इसके आजू बाजू में भालू, हिरण के बाद में बहुत सारे जंगली पशु। आज जैसे आज सुबह हम जब मैं और मेरा बेटा शशांक है और मेरी पत्नी हम लोग आ रहे थे, तो हमें रास्ते में ही बहुत ही बढ़िया एक लेपर्ड मिला, और लेपर्ड को देखते ही हमने उसे कैमरे में ने बिल्कुल लगभग हमारे पास से 10 फुट की दूरी पर था वो लेपर्ड। जैसे ही वो कैमरा में कैद करने की कोशिश किया तो वो वहाँ से थोड़ा चल बसा। तो मुझे ये बताना है कि यह जो जंगल है, यह जंगल, यह नदी, यह पहाड़, यह जो खूबसूरती है आप देख सकते हैं इस ओर की खूबसूरती, इस खूबसूरती को हम यानी यह जो खजाना है, यह खूबसूरती का खजाना है दोस्तों। निसर्ग जो है यानी नेचर के सानिध्य में हम जितना भी ज़्यादा रहेंगे, हमें एक बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति, बहुत ही अच्छा यह मौसम होता है। धन्यवाद साथियों। देखिए दोस्तों, यह सीतना नदी की धारा, अविचल धारा, यह धारा जो है वह देखकर जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, उसे हम दोस्तों यारों शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कितनी सुंदर जगह पे यह गांव था, कितनी प्यारी यह जगह, यानी सीतना नदी के किनारे पे बसना, सुबह सुबह उठकर नदी में स्नान करना, नदी में स्विमिंग करना, यह सीपना नदी की अविचल धारा है जो पीली गांव के पास में अगर आप आए तो कितना प्यारा, कितना सुंदर यह दृश्य दिखाई देता है दोस्तों।
ये देखिए दोस्तों, यह पीली गांव का गेट है, यहाँ से अंदर जाना मना है। और यह पीली के पास छोटा नाला पड़ता है, जैसे ही हम पीली जोड़ के पास आते हैं तो वो जोड़ के पास, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह सामने पीली का जोड़, यह पीली का जोड़ है दोस्तों, ये देखिए। सामने सेमाड़ो गांव और उधर धारनी जाता हुआ यह रास्ता, ये देखिए, ड्राइव स्लाइव स्लोली सेव एनिमल्स। यानी यहाँ पर ये जो सेमाड़ो का ये जो जंगल है, इस जंगल में फास्ट गाड़ियां चलाना मना है। और जैसे समझो हम अगर सेमाड़ो आते हैं, सेमाड़ो से आगे जैसे पीली है, लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है। और पीली गांव के अंदर का जो जंगल है, जैसे कि वहां से आगे पीली से केली को निकल सकते हैं हम, उसके बाद में वहां से तारुबांधा भी जा सकते हैं, और इधर ऊपर आबापुर का बरड़ा है, उसके बाद में आबापुर गोरखड़ी, उसके बाद में कुटार बड़ला। यह जो जंगल है अंदर का, या अंदर के रास्ते से हम जा सकते हैं जहाँ पर 12 हनुमान बसा करते थे। और आज यह सेमाड़ो के अपना पीली के जो जंगल से जो अंदर का जो जंगल है, जैसे कोलखास है जहाँ पर कभी इंदिरा गांधी आकर रुकी थी, और उसके बाद में कितने सारे जो वन विभाग के अफसर होते हैं, उसके बाद में जो मंत्री होते हैं वह भी वहाँ पर वहाँ आके रुकते हैं। यानी वो जंगल के अंदर सीपना नदी के किनारे बसा हुआ कोलखास बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है, जहाँ से हत्ती सफारी भी होती है। तो वह एरिया जो है वह पीली से बिल्कुल लगकर है, और वो बहुत ही ज़बरदस्त ऐसा जंगल है। तो धन्यवाद साथियों।